शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस कार्यकाल में खोले गए चनावक पुआबो कॉलेज को बंद करने के खिलाफ स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में टूटू में एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। भारी बारिश के बावजूद शिमला ग्रामीण के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और टूटू में कुछ देर के लिए चक्का जाम करने के बाद शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर अपना रोष जताया। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जन फैसले के खिलाफ न्यायालय तक अपनी लड़ाई जारी रखने की सरकार को चेतावनी दी है। कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और सरकारों का बदलना केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लेकिन शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जनता की मांग पर चनावग पंचायत के पुआबो में खोले गए कॉलेज को बंद कर वर्तमान सरकार ने इसे गलत साबित किया है। कॉलेज बंद करने के विरोध में सोमवार को स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में टूटू उपनगर में एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। भारी बारिश के बावजूद टूटू में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भारी हुजूम उमड़ा, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपना विरोध जताते हुए लोगों ने टूटू में कुछ देर के लिए सांकेतिक चक्का जाम भी किया और कॉलेज बंद करने के फैसले के लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का पुतला फूंका। इस दौरान सिटी चैनल से बात करते हुए आक्रोश रैली की अगुवाई कर रहे शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व कांग्रेस कार्यकाल में खोले गए कॉलेज बंद करने के पीछे सरकार की मंशा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हो रही विकास गति को रोकने की है। उन्होंने कहा कि सरकार का कॉलेज बंद करने के पीछे केवल एक विद्यार्थी की एडमिशन होने का तर्क गुमराह करने वाला है, जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चों की एडमिशन उन्होंने स्वयं करवाई थी और भविष्य में यहां विद्यार्थियों की संख्या में निश्चित रूप से इजाफा होता। विक्रमादित्य सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लिया तो ये लड़ाई जन आंदोलन के साथ साथ न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे शिमला ग्रामीण में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने जो कॉलेज ग्राम पंचायत चनोग में पुआबो में खोला था, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया है। कहा यह गया है कि उस कॉलेज में केवल एक छात्र ने एडमिशन ली है। मैंने खुद कोटशेरा कॉलेज में जाकर 14 से 15 युवाओं का उसमें जो है एडमिशन करवाई और आने वाले समय में और एडमिशन भी इसमें होती, मगर सरकार की और ख़ास रूप से शिक्षा मंत्री जी की ऐसी इच्छा थी कि वो नहीं चाहते थे कि शिमला ग्रामीण में विकास हो, शिमला ग्रामीण के युवाओं को शिक्षा प्रदान हो, इसलिए उन्होंने इस कॉलेज को बंद किया है। इसके खिलाफ आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। आज भारी वर्षा के बावजूद इतने लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लोगों के अंदर आक्रोश है और सरकार को ये चेतावनी है कि अगर वो इस तरह के जो है निर्णय, जो जन विरोधी निर्णय है, इसको वापस नहीं लेते तो आने वाले समय में हम जनता के माध्यम से तो उस लड़ाई को लड़ेंगे ही, मगर न्यायिक लड़ाई भी कोर्ट में आने वाले समय में लड़ी जाएगी। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद शायद बीते 5 वर्षों में सबसे अधिक विकास हुआ है और यहां बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान खोले गए थे, लेकिन सरकार के बदलने के बाद जिस तरह से कॉलेज बंद करने का ये फरमान जारी किया गया है, उससे स्थानीय जनता को अन्य संस्थानों पर भी गाज गिरने की चिंता सताने लगी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि राजनीतिक द्वेष में फैसला लेने की बजाय विकास में सहयोग कर जनता का विश्वास जीता जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।